तो चलिएगा, ये आपने घाघरा नदी नोट कर ली होगी। थोड़े सॉरी, जो क्लास थी वो थोड़ी सी, जो एक क्लास यानी एक इसका जो वीडियो था वो पीछे की क्लास में रह गया। एक छोटा सा 12-13 मिनट को वीडियो है, वो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर घाघरा नदी बता दी। अब देखिएगा, घाघरा नदी के बाद में जो अगली नदी है वो कौन सी नदी है, तो ध्यान से देखिएगा। उसका नाम है साब। गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक नदी। ध्यान रखिएगा, अब जो अगली सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? गंडक नदी। आप बोलोगे सर कुछ बात भी नहीं बताई, क्योंकि क्लास बीच में थोड़ी सी रुक गई थी, इसलिए एक क्लास कट हो गई थी, उसका अलग से वीडियो आपको मिल गया होगा। मैंने जो पार्ट टू के नाम से गंगा नदी की सहायक नदी 12-13 मिनट की क्लास है, उसमें मैंने 3-4 सहायक नदियाँ पढ़ा दी हैं, और उसके बाद मैंने ये अगली अब गंडक नदी है, ये इसका नेक्स्ट पार्ट मैंने शुरू किया है। तो ध्यान से देखिएगा, जो ये गंडक नदी है, गंडक नदी ध्यान रखिएगा, जो गंगा, जैसे कि हमारी गंगा है, गंगा में सबसे पहले कौन सी नदी आती है? रामगंगा। रामगंगा के बाद में गोमती, गोमती के बाद में घाघरा, और घाघरा के बाद में कौन सी आती है? गंडक। तो मैंने ये तीन नदियां पिछली क्लास 10-12 मिनट की क्लास है वहां पर मैंने बता दी हैं। अब आप देखो गंडक नदी की यहां से क्या कर दो सर, शुरुआत कर दीजिएगा। तो देखिएगा, ये जो गंडक नदी है सर, इस गंडक नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, यानी इस गंडक का उद्गम स्थल है वो कहां पर है साहब? तो ध्यान रखिएगा, इस जो गंडक का उद्गम स्थल है वो नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। तो लिख लो उद्गम स्थल, ध्यान रखिएगा, नेपाल हिमालय। अब जो नेपाल हिमालय तो है, लेकिन इसको नेपाल में एक अन्य नाम से जाना जाता है, और नेपाल में वो अन्य नाम कौन सा, ध्यान रखिएगा, नेपाल में इसे नारायणी नदी कहते हैं। आपसे पूछ लेना कि नेपाल में साहब कौन सी को, गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नदी। कौन सी नदी नाम से जाना जाता है? नारायणी नदी। तो उद्गम स्थल जो है नेपाल हिमालय, और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, ये जो अपना पानी गंगा में कहाँ से मिलाती है साहब? ये इस तरह से गंगा नदी बह रही है, कौन सी नदी है? गंगा नदी। और ये जो गंगा नदी में अपना पानी इस तरीके से मिलाई आके, तो यहाँ पर जो ये स्थान है ये कौन सा स्थान है, यानी अपना है जो पानी कहाँ पर है, गंगा में कहाँ पर मिलाती है? तो ध्यान रखिएगा, सोनपुर बिहार में। कहाँ पर मिलाती है? सोनपुर बिहार में अपना पानी किस नदी में मिलाती है? तो आप बताओगे कहाँ पर मिलाती है? गंगा नदी में मिलाती है। तो लो जी, ये आपकी कौन सी नदी होगी? गंडक नदी। पहला उद्गम स्थल ध्यान रखिएगा नेपाल हिमालय, नेपाल में इसे नारायणी नदी कहते हैं, और अपना पानी गंगा में कहाँ पर मिलाती है? तो सोनपुर बिहार में। कहाँ पर मिलाती है? सोनपुर बिहार में। फटाक से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा, अगली हम पढ़ते हैं साहब कौन सी नदी? कोसी नदी। अब हमारी जो अगली नदी है वो कौन सी नदी आएगी साहब? कोसी नदी। अब सर ये कोसी नदी की क्या बात है? देखिएगा, पहले देखो इस तरीके से गंगा बह रही थी, गंगा में पहले कौन सी नदी है? रामगंगा नदी। रामगंगा बाद में गोमती नदी, गोमती के बाद में गंडक नदी, गंडक के बाद में घाघरा नदी, घाघरा के बाद में कौन सी है? ये कोसी नदी। कौन सी नदी है ये? कोसी नदी। तो ध्यान से देखिएगा, अब जो ये कोसी नदी है, इस कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी भारत के बिहार राज्य में सर्वाधिक क्या लाती? अब नहीं लाती है साहब, ये पहले लाती थी, अब तो बंद हो गई, नहीं ला रही, लेकिन पहले ये बिहार में बहुत बड़े स्तर पर क्या लाती थी? बाढ़ लाती थी। इसलिए इस नदी को, कौन सी नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक। तो आपसे पूछ लेना किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो आप बताओगे कौन सी नदी को? कोसी नदी को। बात लिख दो साहब, तो ध्यान रखिएगा, कोसी नदी को किस नाम से कहते हैं साहब? बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का क्या कहते हैं साहब? शोक। क्या कहते हैं? बिहार का शोक। ध्यान रखिएगा, अब अगली बात, जो कोसी नदी है, इस कोसी नदी का साहब उद्गम स्थल कहां पर है? उद्गम स्थल। तो जो उद्गम स्थल है वो, इसका उद्गम स्थल है गोसाई धाम, गोसाई धाम पर्वत श्रृंखला, गोसाई धाम पर्वत श्रृंखला। और ये है कहां पर? तो आप बताओगे नेपाल।
कहां पर है? नेपाल, यानी गोसाई धाम पर्वत श्रृंखला जो कहां पर है? नेपाल में। ये इस नदी का क्या साब उद्गम स्थल है। अब देखिएगा, जब ये यहां से इस तरीके से इस पर्वत से निकलती है, मान लीजिए कोई पर्वत इस तरीके से इस पर्वत से निकलती है और पर्वत से निकलती है तो ये इसे सात धाराओं के रूप में निकलती है। कितनी धाराओं के रूप में निकलती है? तो सात धाराओं के रूप में निकलती है। ध्यान रखिएगा, कितनी धाराओं के रूप में निकलती है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये जब उद्गम स्थल से निकलती हैं तो उद्गम स्थल से निकलने पर यह सप्त धारा में बहती हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो नदी है कितनी धारा के रूप में बहती है? सप्त धारा। आपसे पूछे ना कि ऐसी भारत की कौन सी नदी, ऐसी को गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो सप्त धारा के रूप में बहती है, तो कौन सी नदी बहती? कोसी नदी। यानी गोसाई धाम से निकलने के बाद ये छोटी छोटी सात धाराओं के रूप में निकलती है और बाद में सातों धाराएं जब साथ में मिलती है तो सातों धाराएं साथ में मिलने के बाद आगे कौन सी नदी का रूप ले लेती है? कोसी नदी का। कौन सी का ले लेती है? कोसी नदी का। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, ये जो हमारी कोसी नदी है साहब, ये कोसी नदी सर्वाधिक मारक परिवर्तन के लिए जानी जाती है। आप पूछोगे सर मारक परिवर्तन के लिए किस हिसाब से, हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये कभी तो इस रास्ते से चल गई, कभी इस रास्ते से चल गई, इसका कोई निश्चित क्या नहीं साहब, रास्ता नहीं है, तभी तो हम इसे क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि बिहार में क्या लाती है? सर्वाधिक बाढ़ लेके आती है। क्या लाती है? सर्वाधिक बाढ़। कभी तो इधर से आ गई, कभी इधर से आ गई, कभी इधर से आ गई। इस नदी का कोई निश्चित क्या नहीं है, मार्ग नहीं है। इसीलिए अब बताओ, किसी आदमी का कोई निश्चित मार्ग नहीं है तो उस आदमी को, यानी जो अपने निश्चित पथ पर आदमी जो नहीं चलता है, उसका कोई भरोसा नहीं होता है, तो हम उस आदमी को किस नाम से जानते साहब? विश्वास करती आदमी है, नहीं है? जो साहब हमारे साथ कभी भी क्या कर सकता है? विश्वासघात कर सकता है। उसी तरह ध्यान रखिएगा, जो कोसी नदी है, इस कोसी नदी को विश्वासघाती नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? विश्वासघाती नदी कहते हैं। लो साहब, ये आपकी कौन सी नदी हो गई? तो कौन सी हो गई? कोसी नदी। कोसी नदी को पहली बात क्या कहते हैं साहब? बिहार का शोक। उद्गम स्थल गोसाई धाम पर्वत श्रृंखला जो कहां पर है? नेपाल में। उद्गम स्थल पर यह सप्त धारा के रूप में बहती, यानी सात नदियों, छोटी छोटी नदियों के रूप में। और उसके बाद में यह सर्वाधिक किसके लिए जानी जाती है साहब? भारत में सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, और इसे विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं साहब? विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। फटाक से क्या कर लो साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद हम अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं। और वो जो अगली नदी हमारी, जो लास्ट नदी है, वो कौन सी? हमारी महानंदा नदी। अब देखिएगा, अब अंतिम नदी है वो बाईं ओर से मिलने वाली, और वो बाईं ओर से मिलने वाली जो अंतिम नदी है, उस नदी का नाम है महानंदा नदी। महानंदा नदी, यानी इस तरीके से वापस एक बार मैं गंगा का डायग्राम एक बार और बताता हूं। सबसे पहले कौन सी नदी? रामगंगा। रामगंगा के बाद में कौन सी नदी? आप बोलोगे गोमती। गोमती के बाद में घाघरा। घाघरा के बाद में गंडक। गंडक के बाद में कोसी, और कोसी के बाद में कौन सी? महानंदा। कौन सी? महानंदा। तो ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से मिलने वाली ये गंगा की क्या है साहब? अंतिम नदी। बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की क्या है? अंतिम नदी है। देखिएगा ध्यान से, बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी, आपसे अंतिम सहायक नदी पूछ लेना तो आप कौन सी नदी बताओगे? महानंदा नदी। यानी बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी। समझ गए बात? अब देखिएगा अगली बात क्या है साहब? इसका जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है? तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है साहब? आप, मैं बताऊंगा उद्गम स्थल इसका जो है, दार्जिलिंग हिमालय। कौन सा हिमालय? दार्जिलिंग हिमालय। और दार्जिलिंग हिमालय आपको पता ही है कहां पर है सब?
पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो ध्यान रखिए इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? दार्जिलिंग हिमालय पश्चिम बंगाल में। और ये अपना पानी लाके गंगा में कहाँ पर गिराती हैं? तो इस तरीके से ये गंगा नदी बह रही हैं और ये गंगा नदी में अपना पानी कहाँ पर गिराती हैं? तो ध्यान रखिएगा इस यहाँ पर गिराती है इस तरीके से। यहाँ पर जो ये बैराज बना है उस बैराज का नाम है फरक्का बैराज। यानी किस बैराज के पास गिराती हैं? तो बता बताओगे फरक्का बैराज के समीप ये अपना पानी किस नदी में गिराती है? तो बताएंगे गंगा नदी। समझ गए? तो ये महानंदा नदी बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी, उद्गम स्थल दार्जिलिंग हिमालय जो कहां पर पश्चिम बंगाल, और फरक्का बैराज के समीप ये अपना पानी किस में गिरा देती है? साहब गंगा नदी में गिरा देती है। फटाक से क्या कर लो साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया होगा साहब। अब देखिएगा ये आपके जो बाईं ओर से जो गंगा में मिलने वाली जो सहायक नदियां थी वो दोस्त क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। यानी बाईं ओर से जो गंगा में मिलने वाली जो सहायक नदियां थी वो इस कला अब यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे दाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां। तो ध्यान से देखिएगा, दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां किस ओर से मिलने वाली? तो मैं पूछा बताऊंगा किस ओर से? दाईं ओर से। किस ओर से मिलने वाली? दाईं ओर से। आप फटाक से हेडिंग लगाएगा उतने में मैं आगे चीजें करवानी शुरू करता हूं। देखिएगा जो दाईं ओर से मिलने वाली हमारी गंगा की सहायक नदी है वो सबसे पहले आप देखोगे इस तरीके से गंगा नदी, इस तरीके से गंगा नदी बह रही है और इधर से एक नदी आके मिलती है और उसका मैंने आपको नाम बताया था डायग्राम के माध्यम से, यमुना नदी। अरे बताया था नहीं बताया था? यमुना नदी। तो जो पहली सहायक नदी है वो हम किसके बारे में बातें करने वाले हैं? हम यहाँ पर यमुना नदी के बारे में बातें करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा यमुना नदी, यमुना नदी। आपसे पूछ लेना साहब गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है साहब? यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना। लिख दो बात, गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी। तो जो गंगा में मिलने वाली जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है साहब? यमुना नदी। अब ये जो यमुना नदी है निकलती कहां से, इसका उद्गम स्थल कहां पर है? तो उद्गम स्थल है वो कहां पर है साहब? बंदर पूंछ पर्वत श्रृंखला पर स्थित, पर्वत श्रृंखला पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से। इसका जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है साहब? तो बताइएगा कि बंदरपूज जो पर्वत श्रृंखला है और उस बंदरपूज पर्वत श्रृंखला पर स्थित जो अपना यमुनोत्री हिमनद है, उस यमुनोत्री हिमनद ये क्या है? यमुना नदी का क्या है साहब? उद्गम स्थल। और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है? बंदरपूज पर्वत श्रृंखला। और ये है कहां पर? आप बताओगे उत्तराखंड। कहां पर है? उत्तराखंड। अब नेक्स्ट बात, इसकी जो लंबाई कितनी है? तो आपको लंबाई ध्यान रखें इसकी कितने किलोमीटर, 1346 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबाई है यमुना नदी की? तो बताओगे 1346 किलोमीटर। अब ये बहती कौन कौन से राज्यों में है? तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो यमुना नदी है वो कौन से राज्य में बहती? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में कौन से राज्य में आती है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में कौन से राज्य में आती है? तो हरियाणा। हरियाणा के बाद में आगे केंद्र शासित प्रदेश आता है कौन सा? दिल्ली। और दिल्ली के बाद में आगे कहां पर जाती है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कहां पर मिल जाती है साहब? आप बताओगे गंगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर के किस नदी में मिल जाती है? तो गंगा नदी में। तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए साहब? चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से यह नदी बहती है। कितने राज्यों? चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से यह नदी बहती है। अब गंगा पर स्थित जो महत्वपूर्ण शहर है, यानी गंगा के यमुना महत्वपूर्ण
शहर, यानी यमुना के किनारे स्थित जो महत्वपूर्ण शहर है वो कौन कौन से है साहब? तो एक शहर का नाम तो कौन सा है आप बताओगे? दिल्ली। एक का है दिल्ली के बाद में आगरा, और एक क्या साहब? मथुरा। आगरा और मथुरा। तो ये जो गंगा के किनारे स्थित महत्वपूर्ण शहर, अपने यमुना के किनारे स्थित महत्वपूर्ण शहर, एक तो है दिल्ली, एक आगरा, और एक कौन सा है? मथुरा। तो ये लो सी आपके जो यमुना नदी उसकी मैंने बातें बता दी, थोड़ी सी बातें बताई गंगा में मिलने वाली हिमालय सबसे बड़ी सहायक नदी, उद्गम स्थल बंदरपूज पर्वत श्रृंखला पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से उत्तराखंड में है, लंबाई 1346 किलोमीटर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान? प्रयागराज। और उसके महत्वपूर्ण शहर इसके किनारे कौन कौन से? तो दिल्ली, आगरा और मथुरा। फटाक से क्या कर लो, लिख लीजिएगा, और उसके बाद में हम यमुना नदी की अगली बातें करते हैं साहब। अब देखो मैं इस गंगा आपको यमुना की थोड़ी सी सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर रहा हूं। देखिएगा यमुना की सहायक नदियां, ये अपनी कौन सी नदी है साहब? यमुना नदी है। कौन सी नदी है? मैं यहीं पर लिख देता हूं, यमुना नदी। अब यमुना नदी की जो सहायक नदियां वो कौन कौन सी, इस तरीके से देखिएगा, ऊपर से यहां से एक नदी आती है, इसका नाम है, क्या नाम है साहब? टोंस नदी, टोंस नदी। उसके बाद एक और नदी आती है, इसका नाम है करेन नदी। कौन सी नदी है? करेन नदी। और अंतिम इधर से नदी आती है, उसका नाम है हिंडन नदी, हिंडन नदी। तो जो गंगा में मिलने वाली बाई ओर से मिलने वाली कितनी सहायक नदियां साहब? तीन, सुनिएगा, टोंस, करेन और हिंडन। टोंस, करेन और हिंडन। अब देखिएगा इधर, यानी दाई ओर से इधर से एक नदी आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, और उस नदी का नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी आती है? चंबल नदी। ये जो चंबल नदी है, इस चंबल के बारे में हम अलग से बातें करने वाले हैं। उसके बाद में एक नदी आती है, उसका नाम है साहब सिंध नदी। कौन सी नदी आती है? मैं बताऊंगा आप लोग, सिंध नदी। उसके बाद में एक नदी आती है, उसका नाम है साहब बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। और बेतवा के बाद में एक और नदी आती है, उसका नाम है कैन नदी। कौन सी नदी आती है? कैन नदी। और ये यमुना आगे किस नदी में मिल जाती है? तो यहाँ पर गंगा नदी में। और ये गंगा नदी में बताओ कहाँ पर मिलती है? तो प्रयागराज या इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, समझ गए? तो ये लो यमुना नदी, और ये निकलती कहाँ पर है, कहाँ से? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बंदरपूंछ, ये इस तरीके से बंदरपूंछ पर्वत श्रृंखला, बंदरपूंछ पर्वत श्रृंखला, और इस पर ये कौन सा स्थित है? हिमनद है। तो मैं बताऊंगा आपको यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद यहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले आपसे पूछ ले रहा बाईं ओर से गिरने वाली सहायक नदियाँ, तो पहले टोंस नदी, फिर करेन नदी, फिर कौन सी? हिंडन नदी। और दाईं ओर से मिलने वाली पहली चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और कैन नदी। और आगे ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किस नदी में मिल जाती है? किस नदी मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो लो जी ये आपकी कौन सी नदी हो चुकी है? तो मैं बताऊंगा आप साहब, ये आपकी यमुना नदी क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यमुना की जो एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो चंबल नदी के बारे में महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी। तो फटाक से आप इन सहायक नदियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपनी कॉपी बना लीजिएगा, और उसके बाद में हम फटाक से अगले करते हैं बात साहब इस चंबल नदी के बारे में बातें करते हैं। तो फटाक से कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब देखो चंबल नदी, चंबल नदी का मैं बढ़िया आपको डायग्राम बताता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर ये पहाड़ियाँ हैं, जानना पहाव की पहाड़ियाँ, जानना पहाव की पहाड़ियाँ। और ये जानना पहाव की पहाड़ियाँ कहाँ पर है साहब? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। इन पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, और निकलने के बाद आगे यहाँ पर किस नदी में आके गिरती है? तो यमुना नदी में मिल जाती है।
यमुना नदी में मिल जाती है। अब देखिएगा, मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये नदी आती है राजस्थान में। कहां पर आती है? राजस्थान, और राजस्थान के बाद में उत्तर प्रदेश में आके आगे किस नदी में मिल जाती है? इटावा, उत्तर प्रदेश। यहां पर जो है इटावा में कहां पर मिल जाती है? तो ये किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में। अब देखिएगा इस नदी के यहां पर राजस्थान में भी कुछ सहायक नदियां हैं। तो यहां पर जो राजस्थान में सहायक नदियां, इधर से एक अरावली की पहाड़ी, इधर कौन सी पहाड़ियां हैं? अरावली की पहाड़ियां हैं, और अरावली की पहाड़ियों से एक यहां पर एक सहायक नदी आके मिलती है, उस नदी का नाम है बनास नदी। कौन सी नदी आके मिलती है? बनास नदी। और उसके बाद में इधर की साइड से एक छोटी सी नदी आती है, उस नदी का नाम है सिप्रा नदी। और ये सिप्रा नदी बहुत महत्वपूर्ण है। वो किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि सिप्रा के किनारे क्या है साहब? तो ध्यान रखिएगा, सिप्रा के किनारे साहब कौन सा शहर है? तो उज्जैन। यानी सिप्रा के किनारे कौन सा शहर है? तो बताओगे आप लोग, उज्जैन। तो ध्यान रखिएगा, पहले सिप्रा नदी और फिर ये बनास नदी। कौन सी आ गई? बनास नदी। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, एक नदी और आती है, और वो कौन सी आती है? काली सिंध। काली सिंध। और काली सिंध के बाद में एक और नदी आती है, उसका नाम है पार्वती। कौन सी नदी आती है? पार्वती। ये जो दोनों ही नदियां निकलती है, काली सिंध और पार्वती, मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। और ये भी उज्जैन जो है मध्य प्रदेश, उज्जैन भी कहां पर है साहब? तो मध्य प्रदेश में ही है, समझ गए ना। तो मध्य प्रदेश में जो गिरने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी? शिप्रा नदी, काली सिंध नदी और पार्वती नदी। और राजस्थान से आने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। और ये कितने राज्यों से बहती है? तीन, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अब देखिएगा, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी आपसे पूछ ले तो वो कौन सी है? आप बताओगे, चंबल नदी। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, यानी ये यमुना की साहब क्या है? सबसे बड़ी क्या है साहब? सहायक नदी है। यमुना की क्या है? सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? तो चंबल नदी। अब देखिएगा अगली बात, चंबल नदी भारत में सर्वाधिक किसके लिए जानी जाती है? तो ये जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी जहाँ से गुजरती है तो ये अनेक धारियों में से पतली पतली धारियों में बहती है, यानी अवनालिका अपरदन के लिए जानी जाती है। पतली पतली धारियों में गहरे गहरे खंडों का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है, इसीलिए ये अवनालिका अपरदन के लिए जानी जाती है। तो लिख दो बात, यह भारत में, यह भारत में अवनालिका अपरदन के लिए जानी जाती है, के लिए जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, यह है जो किसके लिए जानी जाती है भारत में? अवनालिका अपरदन के लिए जानी जाती है। और यही किसका निर्माण करती है साहब? उत्क्यात भूमि या बीहड़ का क्या करती है? निर्माण। ध्यान रखिएगा, उत्क्यात भूमि या बीहड़ का क्या करती है? निर्माण करती है। आपसे पूछ लेना, कौन सी नदी है जो उत्क्यात भूमि या बीहड़ का निर्माण करती है? वो कौन सी नदी करती है? तो चंबल। मतलब गहरे गहरे खड्डों का क्या कर देती है? निर्माण करती है। अवनालिका के रूप में, पतली पतली धाराओं के रूप में इस तरीके से चलती है, और चलने के बाद में गहरे गहरे खड्डों का कहीं पर क्या कर देती है? निर्माण कर देती है। उन्हें हम बीहड़ के नाम से जाने जाते हैं, और उन्हें किस कौन सी भूमि कहते हैं? उत्क्यात भूमि। तो ये लो आपकी चंबल नदी। अब देखिएगा, चंबल नदी पर मैं आखिरी बात कर रहा हूं, वो क्या कर रहा हूं साहब? चंबल नदी पर कौन कौन सी परियोजना चलाई गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, परियोजना। अब जो चंबल नदी है, इस पर परियोजना कौन कौन सी है? तो इन पर ध्यान रखिएगा, तीन परियोजनाएं। एक कौन सी है साहब? गांधी सागर परियोजना। एक कौन सी है अगली? तो वो है अपनी राणा प्रताप सागर परियोजना। और नेक्स्ट जो परियोजना है वो कौन सी है? जवार सागर परियोजना, जवार सागर परियोजना। और एक इस पर ध्यान रखिएगा, जलप्रपात बना है। क्या बना है? जलप्रपात। और वो कौन सा बना है जलप्रपात? तो वो ध्यान रखिएगा, चूलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात। तो लो जी, ये जो यहाँ पर, ये जो गांधी सागर परियोजना है, ये कहाँ पर चलाई गई? एमपी में। और ये दोनों कहाँ पर है साहब? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात साहब, इस पर जो परियोजना कितनी चलाई गई? तीन, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवान सागर। और इस पर जलप्रपात है वो कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। अब ये नदी कहाँ से निकलते हैं? जानापाव की पहाड़ियाँ, मऊ मध्य प्रदेश से। और ये नदी निकलते कितने राज्यों में आती है? तीन, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश। और यहीं पर राजस्थान से एक नदी आके कौन सी गिरती है? बनास नदी। और इधर से आकर के कौन सी नदी गिरती है? सिप्रा नदी, जो मध्य प्रदेश से आती है। सिप्रा के किनारे क्या स्थित है साहब? उज्जैन। और उसके बाद में एक नदी कौन सी आती है? काली सिंध, वो भी कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से। एक नदी और आके गिरती है, वो कौन सी?
सी, पार्वती, वो भी कहां से, मध्य प्रदेश में, और इटावा उत्तर प्रदेश में, ये खुद जाके कौन सी नदी मिल जाती है, यमुना नदी में। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, ये यमुना की क्या साफ सबसे बड़ी सहायक नदी है, भारत में सर्वाधिक किसके लिए जानी जाती है, अवनालिका अपरदन के लिए जानी जाती है, और उत्क्यात भूमि या बिहेड़ का निर्माण पूछ रहे कौन सी नदी करती है, तो कौन सी नदी करती है, चंबल नदी करती है। तो फटाक से क्या घुमा लो दोस्त, स्क्रीनशॉट घुमा लीजिएगा और उसके बाद में हम अगली बात करते हैं। आज हम सहायक नदियों को पूरी पढ़ेंगे साहब, एक भी सहायक नदी आज हम बाकी नहीं रखने वाले, आज हम सहायक नदियां पूरी पढ़ के जाएंगे। अब कुछ नहीं, एक आखिरी सहायक नदी जो बची हुई है, एक दो सहायक नदियां और जो हमारी गंगा की सहायक नदियां, एक तो हमारी टोंस नदी बची हुई है और उसके बाद में एक सोन नदी बची हुई है। अब देखो हमारी गंगा की जो हमने गंगा की ये जो सहायक नदियाँ थी उनमें से हमने यमुना नदी को कर लिया था, और उसके बाद में यमुना की एक हमने महत्वपूर्ण सहायक नदी जो कौन सी, चंबल नदी को देख लिया था। अब देखिएगा इस तरीके से ये यमुना नदी मिलने के बाद एक महत्वपूर्ण नदी आके मिलती है, वो कौन सी नदी है, सोन नदी। कौन सी नदी आके मिलती है, सोन नदी, वो गंगा की जो महत्वपूर्ण सहायक नदी अब सोन नदी है, उस सोन नदी के बारे में हम संपूर्ण बातें करने वाले हैं। तो अब हेडिंग लगे आप सोन नदी, ये जो सोन नदी है, मैंने आपको एक दिन सोन नदी जब मैंने आपको अमरकंटक बताया था, अमरकंटक की पहाड़ियां, तब बात बताई थी। सोन नदी ध्यान रखिएगा, यह गंगा की सहायक नदी है, उद्गम स्थल, तो बता दो आप, ये मैंने बात बता दी थी पिछली क्लासों में, उद्गम स्थल ध्यान रखिएगा, इसका जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ियां, और अमरकंटक की पहाड़ियां कहां पर है साहब, तो ये है मध्य प्रदेश, अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश। अब देखो इस तरीके से ये साहब अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, ये किसकी पहाड़ियां हैं, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने बाद ये नदी पहले तो यहां पर बहती है साहब, ये मानो सोन नदी, सोन नदी बोलो या इसको श्रवण नदी बोलो, श्रवण रेखा नदी, दोनों ही नाम एक ही साहब, ठीक है ना, सोन नदी या श्रवण रेखा नदी। सबसे पहले यहाँ पर कहाँ पर बहती है साहब, तो ये अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, तो सबसे पहले कहाँ पर बहती है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, कहाँ पर आती है, बिहार, और बिहार में यहाँ पर जो गंगा नदी बहती है, और यहाँ पर बिहार के कौन से स्थान में गंगा में मिलती है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बिहार का स्थान है इसका नाम है दानापुर, क्या नाम है, दानापुर स्थान बिहार में है, और इस दानापुर स्थान पर यह कौन सी नदी में मिल जाती है, तो कौन सी नदी मिल जाती है, गंगा नदी में। ध्यान रखिएगा उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो गंगा उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने बिहार के दानापुर में ये कौन सी नदी मिल जाती है, गंगा नदी में, और इसका नाम सोन नदी बोलो या श्रवण रेखा नदी। साहब ये नाम हुआ क्यों, हुआ इसलिए था, तो ध्यान रखिएगा इस नदी के अपवा क्षेत्र में श्रवण भंडार, श्रवण के कण यानी सोने के कण या प्लेसर कण पाए जाते हैं, और इसी के कारण इसको क्या कहते हैं साहब, श्रवण रेखा नदी कहते हैं। यानी ये जो नदी बहती है और बहने वाला जो इस नदी का अपवा क्षेत्र है, उस अपवा क्षेत्र में साहब सोने के कण यानी श्रवण के कण या प्लेसर के कण पाए जाते हैं, और इसी के कारण इस नदी को क्या नाम दिया साहब, सोन नदी। कौन सी नदी नाम दिया, सोन नदी। अब देखिएगा सोन नदी की मैं आखिरी बात बता रहा हूँ, वो इसकी परियोजना। अब जो सोन नदी पर जो परियोजना चलाई गई है वो कौन सी है सर, तो वो ध्यान रखिएगा परियोजना, उस परियोजना का नाम है बाणासुर परियोजना। कौन सी परियोजना है, बाणासुर परियोजना। ये कौन सी नदी पर चलाई गई, ये बिहार में है, और ये कौन सी नदी पर है साहब, सोन नदी पर। कौन सी नदी पर है, सोन नदी पर। कौन सी परियोजना, बाणासुर परियोजना। तो लो जी ये आपकी कौन सी नदी हो चुकी है, सोन नदी, और सोन नदी के साथ ही आपकी जो गंगा की संपूर्ण सहायक नदियां थी वो संपूर्ण सहायक नदियां क्या हो चुकी है साहब, कंप्लीट हो चुकी है। मेरी पहली बात सुनिएगा, क्योंकि मैंने गंगा की तीन सहायक नदियां एक छोटे से क्लास के अंदर मैंने अलग से पढ़ा रखी है, और वहां पर जाके आप तीन अलग से सहायक नदियों को देख लीजिएगा, और बाकी की सहायक नदियां मैंने यहीं पर बताई हैं। तो ध्यान से रहेगा और ध्यान से नदियों को पढ़िएगा, और यकीनन के साथ रहेगा साहब इन नदियों से बाहर आपका कुछ जाने वाला नहीं है। अब देखिएगा आखिरी बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा लाइक कमेंट कीजिएगा, और हर जरूरतमंद के पास पहुंचेगा जिस उस क्लास की बेहद जरूरत है। तो चलिएगा, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।